जो कांग्रेस श्री रामचंद्र जी को नहीं जानती वो देश का क्या उद्धार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने आपने देखा था कि 24 वकील श्री रामचंद्र जी के खिलाफ खड़े कर दिए थे मंदिर। आज देश और प्रदेश के अंदर और बाहर के देशों में भी आज हिंदुस्तान का बोलबाला है तो सिर्फ सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बोलबाला है। कोसली विधानसभा से आज मैं एक बात आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, अब जल्दी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। अभी मौजूद हैं गुड़ियानी के अंदर जो कि कोसली विधानसभा का ही एक गाँव है, जहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आज एक भव्य आयोजन किया गया था और उस आयोजन के पीछे का जो कारण है आखिर वो क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ आपको जो नज़र आ रही होंगी पीछे की तरफ वो श्री राम के मंदिर की तस्वीरें हैं और उसके ऊपर आज क्या कुछ यहाँ से संदेश दिया गया है या फिर जो आने वाली 22 तारीख है जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा है उसके लिए क्या संदेश यहाँ से हुआ है, चलिए उसी के बारे में जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आयोजन आज का किया गया है इसका जो कारण है वो क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका इस प्रोग्राम में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी 5 तारीख को मैंने कोसली विधानसभा में श्री रामचंद्र जी का एक रथ बनवाया, एक वैन बनवाई और श्री रामचंद्र जी का मैंने रथ लेकर कोसली विधानसभा के काफ़ी गांव में मैंने जाने का काम किया और सभी से मैंने जो कोसली विधानसभा की जो जनता है और खासकर मेरी माताएं बहनें हैं उनसे मैंने विनती की कि आप एक चम्मच घी होने वाले अयोध्या मंदिर में जो एक यज्ञ होगा 22 तारीख को उसमें आहुति डालने के लिए एक चम्मच दान करो और मेरी कोसली विधानसभा की मेरी माताओं बहनों ने सभी ने बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मेरे को घी देने का काम किया और कोसली विधानसभा से मैंने 4.5 क्विंटल के आसपास घी इकट्ठा किया है और सभी साथियों के साथ और कोसली विधानसभा की जनता के सहयोग से उसको मैंने अयोध्या मंदिर में पहुंचाने का काम करूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर जो एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो स्थानीय स्तर पर जो योजना है वो क्या बनाई गई। देखिए, जो आज जो प्रोग्राम था उसमें श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या के अंदर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को पूरा हिंदुस्तान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाएंगे, उसी मुहिम को लेकर के उसी उपलक्ष में आज हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र जी हमारे बीच में आए थे और हमारे जो अयोध्या के अंदर जो मंदिर बना है उसी के लिए आज जो प्रोग्राम हमने रखा था और जो आज प्रसाद जो हमने जो जनता ने सभी के सहयोग से इस प्रसाद को बांटने का काम किया और कोसली विधानसभा की जितनी भी जो जनता हमारे बीच में आई उन्होंने श्री रामचंद्र जी का उद्घोष किया और हम श्री रामचंद्र जी के जो 22 तारीख को जो मंदिर का कपाट खुल जाएंगे दर्शन करने के लिए तो पूरी कोसली विधानसभा ने जो घी इकट्ठा किया है उसी के उपलक्ष में हमने ये प्रोग्राम रखा था और इस घी को आगे भेजने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो विपक्ष है या जो गठबंधन बनाया गया है वो कभी तो कहता है कि उनको निमंत्रण नहीं मिला और कभी कहता है कि तो बीजेपी की रैली है। देखिए, कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस वही पार्टी है जिसने देश में 60 और 70 सालों के बीच में राज करने का काम किया। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर देश की कमान संभाली, देवतुल्य जो जनता है 140 करोड़ जनता है उसके सहयोग से देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली,
तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी एक बौखलाहट है। आपने देखा था इनका महागठबंधन हुआ था, उसमें भी आज दरारें पड़ी हुई है। और एक सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे आडवाणी जी थे, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया था देश के अंदर। अयोध्या के अंदर जब बाबर के टाइम के अंदर जब हमारे श्री रामचंद्र जी का मंदिर को तोड़ करके उन्होंने वहाँ मस्जिद बनाने का काम किया, और हमारे अटल जी ने और आडवाणी जी ने उसको खंडन करके और पूरे देश को जगाने का काम किया, और नरेंद्र मोदी जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, और नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सहयोग से आज अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो उसको लेकर कांग्रेस के अंदर एक बौखलाहट है, क्योंकि जो कांग्रेस श्री रामचंद्र जी को नहीं जानती वो देश का क्या उद्धार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने आपने देखा था कि 24 वकील श्री रामचंद्र जी के खिलाफ खड़े कर दिए थे, मंदिर के खिलाफ किए थे। तो ये कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन इस देश से दूर जा रही है जी। और श्री रामचंद्र जी का और हिंदुत्व की तरफ इनका ध्यान नहीं है। हिंदुत्व का ध्यान है तो सिर्फ बीजेपी का ध्यान है, और हमारी देवतुल्य जो जनता है देश की 140 करोड़ वो जाग चुकी है सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए जनता जागरूक हो चुकी है। और आज देश और प्रदेश के अंदर और बाहर के देशों में भी आज हिंदुस्तान का बोलबाला है, तो सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बोलबाला है। सर, जो आरोप है एक और लगाया जा रहा है, वो कह रहे कपाट तो हमने खुलवाए थे, बीजेपी तो आज सिर्फ सिरे लेने का काम कर रही। देखिए, ये कांग्रेस की एक भूल है जी। कांग्रेस ने झूठ बोलने की राजनीति की है। कांग्रेस ने हमें देश को तोड़ने का, बिखेरने का और लूटने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने देश को जोड़ने का, मजबूत करने का और अखंड बनाने का काम किया है। और कोसली विधानसभा से आज मैं एक बात आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, अब जल्दी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है जी। बिल्कुल, लेकिन क्या अब जो चुनाव की तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता हमेशा चुनाव लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच से जो बातें हैं वो आपने सुन ही ली हैं। राम मंदिर के लिए जो उद्घोष यहाँ से हुआ है, जो जयकारे राम मंदिर के नाम के लगे हैं, वो आप सुन चुके हैं। लेकिन 22 तारीख को आप लोग अपने घर के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी वहाँ पे अयोध्या के अंदर, तो आप अपने घर के अंदर भी दिए दीप जला सकते हैं और आप अपने घर के अंदर एक और दिवाली मना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।